जब द्वापर युग में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब नंद के घर में योग माया ने जन्म लिया था। नंद की पुत्री के रूप में वो नंदा देवी कहलाई थी। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्त्यो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। योग माया की इच्छा से वासुदेव ने कृष्ण को नंद के घर पहुंचाया और वहां से उनकी पुत्री को लेकर कारागार चले गए। जब कंस ने उस शिशु पर आक्रमण किया, तब उस शिशु में से योग माया प्रकट हुई और उन्होंने कंस को अंतिम चेतावनी दी। मूर्ख कंस, किसको मारने चला था तू? जिस आठवें संतान की मृत्यु के लिए तू आस लगाए बैठा है वो अब सुरक्षित स्थान पर है, और मैं योग माया हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी ही माया है। मैं ही तेरे काल श्री कृष्ण का शस्त्र हूँ और मैं ही उनका कवच हूँ। मेरे रहते तू श्री कृष्ण को छू भी नहीं सकता। समय रहते अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जा, वरना अगर धर्म ने अपना मार्ग चुना तो श्री कृष्ण से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तत्पश्चात देवी योग माया विंध्याचल पर्वत में वास करने लगी और विंध्यवासिनी कहलाई। वैवस्वत मनुकाल में जब शुंभ निशुंभ का पुनर्जन्म हुआ, तब देवी विंध्यवासिनी योग माया ने उनका अंत किया था। नंदा देवी स्वरूपाय विंध्याचलवासिनी शुंभ निशुंभ विनाशिनी योग माई नमस्तुते।